वो मोटरोला G64 जो कि प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ कुछ अच्छा लग रहा देखने के लिए, आज की इस वीडियो में इसी फ़ोन का करेंगे डिटेल रिव्यू। आपको बताऊंगा आफ्टर 10 डेज क्या कुछ खास इस फ़ोन के अंदर पैक किया है और कैसा ये फ़ोन इंडियन मार्केट में सरप्राइज बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते आज की मीटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो। लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। सर्वर की तरह शुरुआत करते हैं फास्ट वीक अनबॉक्सिंग से। आपको बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, डेट मीन्स पेपर की, और साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें पैक की गई है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर फ़ोन मिल जाता है जो कि लेयर ऑफ केस के साथ आ जाता है, और बाकी यहाँ पे आपको देखने के लिए अच्छी क्वालिटी का केस भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही, और ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस होने के साथ कुछ गाइडिंग मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, 33 वॉट का एक सुपर वो डार्ट चार्जर मिल जाता है, एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिल जाता है बॉक्स में, एंड एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल किट मिल जाता है बॉक्स में। लगभग इतने कंटेंट मिलते हैं दोस्तों, जो कि फ़ोन बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ है। सो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें सो डिज़ाइन आपको मोटो G54 जैसी सिमिलर मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर वेरियंट का सपोर्ट मिलता है। इस फोन में आपको लगभग 3 कलर वेरियंट मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बेस्ट कलर लगता है यहाँ पे आपको मिंट ग्रीन वाला कलर। आपको कौन सा लगा कलर अच्छा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। बाकी फोन का इन एंड फील लाजवाब है, फोन का लुक अच्छा है, फॉर्म फैक्टर भी अच्छी मिल जाती है। वैसे बैक आपको शाइनी देखने को मिल जाएगी, और जो मटेरियल यूज़ किया है उन्होंने आर्काइडिक ग्लास यूज़ किया है जो कि ना प्लास्टिक ही बोल सकता हूँ मैं। बाकी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट में मिल जाती है, एंड बैक में आपको जो कैमरा मॉड्यूल मिलता है बहुत अच्छा मिल जाता है जो कि आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ देखने मिलता है। एक फ्लैश LED लाइट भी मिल जाती है। वैसे हाँ आपको साइड के फ्रेम्स प्लास्टिक के देखने मिल जाएंगे, बाकी इन एंड फील मुझे पर्सनली अच्छा लगा। फोन का फॉर्म फैक्टर अच्छा है, 8.89 mm की थिकनेस के साथ वेट 196 ग्राम के आसपास का मिलता है। IP52 की सर्टिफिकेशन मिलती है, डेट मीन्स फोन आपका स्प्लैश रेजिस्टेंट बन जाता है। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो डाउन साइड में आपको यहाँ पे 3.5 mm ईयरफोन जैक के साथ प्राइमरी माइक्रोफोन का सपोर्ट, टाइप सी 2.2 के साथ यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है स्पीकर ग्रिल का सपोर्ट। राइट साइड में यहाँ पे आपको पावर बटन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ वॉल्यूम रॉकर देखने मिल जाता है, एंड लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे स्लॉट मिल जाता है जहाँ पे आपको डुअल नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे स्लॉट का सपोर्ट मिलता है। टॉप साइड में माइक और डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोन के अंदर डिस्प्ले की, जहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। 3 AGS बैलेंस आपको जो डिस्प्ले के मिलेंगे इस फोन के अंदर एवरेज साइज के मिल जाते हैं। सेंटर पंच होल के साथ डिस्प्ले तो मिलती है, बट और कम हो सकते थे बेजल्स। बाकी यहाँ पे आपको डिस्प्ले अच्छी मिलती है, IPS LCD डिस्प्ले है, बट आपको कलर्स अच्छे निकाल के देती है। 120Hz रिफ्रेश रेट है, डेट मीन्स आपको मल्टीमीडिया कंजम्पशन में फोन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। बाकी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, डेट मीन्स आउटपुट जो मिलेगी ऑडियो क्वालिटी की वो बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। इसकी आउटपुट आप यहाँ पे सुन सकते हैं दोस्तों। अच्छी कहूँ तो फोन की मुझे लाउडनेस अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। बाकी 4K कंटेंट को आप वॉच कर सकते हैं फोन में, HDR कंटेंट भी वॉच कर सकते हैं। डिस्प्ले अच्छी है, बाकी आपको कलर बहुत ही अच्छे नेचुरल दिखाई देंगे फोन में। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है, डेली यूसेज में कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटी सी शिकायत थोड़े बेजल्स और कम हो सकते थे। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं फोन के अंदर सेंसर एंड कनेक्टिविटी की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है जो कि फास्ट एक्यूरेट वर्क करता है, फेस लॉक अच्छे से वर्क करता है बिना किसी दिक्कत के, एंड हैप्टिक्स भी फोन के अंदर डिसेंट मिल जाते हैं, अच्छे नहीं बोलूँगा खराब भी नहीं बोलूँगा, बाकी सारे सेंसर मिल जाते हैं। फेस लॉक बहुत अच्छे तरह से फास्ट वर्क करता है। 5G कनेक्टिविटी टॉप नॉच की मिल जाती है, 14 5G के बैंड के साथ, 12 4G वोल्टी वाईफाई 5 के साथ, ब्लूटूथ 5.3 VoNR के साथ, 4X मीमो 3CA जो कि कनेक्टिविटी टॉप नॉच की प्रोवाइड करता है फोन में बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की, जहां मेरी कुछ मिक्स्ड फीलिंग देखने मिल जाती है। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है वेनिला एंड्रॉइड के साथ, MyUX मिलता है, 1 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है मोटोरोला ने। अपडेट्स टाइम टू टाइम तो नहीं मिलते, बट मैं फिर भी खुश था। बट यहाँ पे अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ ब्रॉडवेयर भर दिया फोन के, जिससे मैं बोलूँगा कि मेरी फीलिंग्स एंड थोड़ी मिक्स हो चुकी है इस UI को लेके। बट इन्होंने प्रॉमिस किया इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, जो कि इनका ना फ्लैगशिप फोन के अंदर कुछ नए चीज़ें को इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी इतने सारे ब्रॉडवेयर की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से फोन के अंदर, और साथ ही साथ इतने डिस्कवर वाले जो आपको फालतू के नोटिफिकेशन मिलते हैं इनको ऑफ करने की सजेशन दूंगा, जो कि स्क्रीन पे भी कभी कभार दिखाई देते हैं, हमेशा नहीं। बट यहाँ पे आपको योर स्पेस जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर, जहाँ पे आप डुअल ऐप को यूज़ कर सकते हैं, रैम बूस्टर जैसे फीचर भी मिल जाते हैं, आपको इंटू 2 रैम एक्सपांड कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, जो कि आपको पता है मोटोरोला प्रोवाइड करता है अपने फ्लैगशिप के साथ साथ मिड रेंज के फोन्स के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस के साथ देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको थिंगसिल की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फिर भी मैं मिक्स फीलिंग बोलूँगा सॉफ्टवेयर को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में मैं खुश हूँ दोस्तों। MediaTek Dimensity यहाँ पे आपको 7025 चिपसेट मिल जाती है, 6 MB पावरफुल है, 5 लाख के आसपास के एंड्रॉइड स्कोर मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी ग्राफ के अंदर अच्छी मिल जाती है, गेमिंग आपको फोन के अंदर तगड़ी मिल जाएगी, मैं उतनी अच्छी नहीं बोलूंगा बट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी बोल सकता हूँ।
हाई टू मीडियम सेटिंग्स से आप किसी भी गेम को प्ले कर सकते हैं, जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम्स को भी। रियलमी P1 के अंदर आपको 7050 चिपसेट मिलता है, जो कि और थोड़ी अच्छी चिपसेट दोस्तों। वैसे हाँ, अगर आपको इस फोन की वीडियो चाहिए रहेगी रियलमी P1 की, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। बाकी LPDDR4X RAM मिलता है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाती है, जो कि रीड एंड राइट स्पीड फोन के अंदर बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। गेमिंग के अंदर आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप दिखाई देंगे, फोन उतना एस मच हीट तो नहीं होता है, क्योंकि आपको हीट थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी ग्राफ स्टेबल मिल जाता है। बाकी मुझे पर्सनली फोन अच्छा लगा है गेमिंग के लिए भी। आपको प्राइस सेगमेंट के हिसाब से गेमिंग अच्छी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस तगड़ी बोल सकता हूँ प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की दोस्तों, तो आपको ना 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है 33 W की वायर्ड चार्जिंग के साथ। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, 0 to 100% आपको नियर अबाउट 1 hour 20 minutes के अंदर फुली चार्ज हो जाती है बैटरी, जो कि मेरे ख्याल से 6000 mAh के लिए 33 W की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मोर देन इनफ हो जाता है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। और ज़्यादा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। बाकी आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है 8 hours के आसपास का। इन शॉर्ट बोलते हैं यहाँ पे आपको बैटरी आराम से 2 दिन जाएगी बिना किसी दिक्कत और शिकायत के। बैटरी बैकअप फोन का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं फोन के अंदर कैमरा की, जो कि ना 50 MP का मेन सेंसर के साथ होता है OIS के साथ, एंड सेकंड सेंसर आता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एंड उसी के साथ जो आपको ना सेल्फी कैमरा देखने मिलती है बहुत अच्छी मिलती है 16 MP की सेल्फी कैमरा। कैमरा वाइज के अंदर आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप अच्छी अच्छी इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। कुछ क्लिक किए हुए इमेजेस को मैंने आप सभी के सामने स्क्रीन पर शेयर किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा आपको इमेज सैंपल्स कैसे लगे। मुझे पर्सनली नाइट के आउटपुट अच्छे लगे अकॉर्डिंग टू प्राइस बोलूँ दोस्तों। डे नाइट की इमेजेस से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मात खाता है, बट यहाँ पर उसको फिक्स किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से ना सैचुरेशन थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती है इमेज की। बाकी अगर आपको इस फोन को परचेस करना तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ कैमरा टेस्ट वाली यूट्यूब पे वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा कैमरा के लिए। बाकी 1080/60fps पे फ्रंट और बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। प्राइस एंड कंक्लूजन की बात करूँ दोस्तों, तो यही था मोटोरोला की ओर से Moto G64 5G फोन, जो कि मल्टीपल कलर वेरियंट के साथ आता है। इसकी बेस वेरियंट की प्राइस आपको अंडर 50,000 मिल जाएगी, जो कि ना कार्ड ऑफर लगाने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग कम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मेरे ख्याल से एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए, जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ और प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है। पर्सनली बोलो तो डिस्प्ले भी अच्छी है फोन की, मुझे कोई ऐसा शिकायत नहीं मिली। आपको फोन अगर अच्छा लगा डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सिंपली वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, चैनल को एक छोटी सी ग्रोथ भी मिल जाती है दोस्तों। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना। आपको कोई डाउट सजेशन कमेंट है इस फोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और पर्सनली रिप्लाई करता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग फोन को लेकर। तब तक दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।